लो फ्रेंड्स, सर्दी आ गई है और नए नए सूप बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी पालक का सूप। ऐसा सूप जो देखने में भी बहुत सुंदर होगा, उसका टेक्सचर बिल्कुल अलग होगा और वो वाला टेस्ट आपने आज तक नहीं पिया होगा। इसके लिए आपको पालक लेना है। ये मैंने लिया है 250 ग्राम पालक, एक छोटा अदरक का टुकड़ा और दो टमाटर। अदरक और टमाटर को मैंने मिक्सी में धोकर पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लीजिए और पालक को धोकर बारीक बारीक काट लीजिए। पालक को अच्छी तरह धोना पड़ेगा, क्योंकि अगर पालक में जरा सी भी मिट्टी रह गई तो आपका सूप बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसके लिए मैंने थोड़ी सी भिगोई है मूंग की दाल, छिलके वाली। आप चाहे तो धुली हुई मूंग की दाल भी भिगो सकते हैं। इसको भिगोए हुए हो गए हैं 20-25 मिनट, थोड़ी सी फूल गई है। अब मैं करूंगी कुकर को गर्म। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुकर गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच घी। आप इसमें ताजा घी डालिए या मक्खन डालिए, लेकिन तेल बिल्कुल नहीं डालिएगा। ये देखिए, इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। छोटी चम्मच घी आपको डालना है, बिल्कुल छोटी चम्मच। और फिर मैंने लिया है थोड़ा सा हींग और जीरा। हींग और जीरा जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जैसे ही चटर मटर करने लगेगा ना हींग और जीरा, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक। ये थोड़ी सी हल्दी डाल दी मैंने और आधी चम्मच नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे धुली हुई मूंग की दाल जो हमने धोई थी। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर और अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो 2-3 कलियां इसमें लहसुन की भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। अब इसमें हम कटा हुआ पालक डाल देंगे फ्रेंड्स, और इसमें हमें देनी है 2-3 सीटियां। आप 2-3 सीटियां इसमें दीजिए। अगर 1 सीटी आ जाए तो आप गैस को हल्की कर दीजिए और 2 सीटियां और लगाइए। उसके बाद 2-3 और सीटियां लगने के बाद आप इसको खोलेंगे और इसमें आधा नींबू निचोड़ कर जब फ्रेंड्स इसको खाएंगे ना सूप को, ये टेक्स्चर में ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे स्लपरी सा हो जाता है। इसमें थोड़ी सी रई चला देंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो हमने पालक काटा है ना, तो इसके जो लंबे लंबे से लच्छे आएंगे जो गल जाएगा जब पालक, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दाल तो बिल्कुल ही घुल जाएगी इसके अंदर, बहुत टेस्टी लगेगा। इसमें आधा चम्मच मक्खन डालेंगे हम फ्रेंड्स, और ये सर्दियों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ये गर्म होता है और इसके अंदर आयरन भर भर के बना होता है, क्योंकि सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हम लोगों को ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। और सूप तो हम लोगों के लिए है ही बढ़िया, तो जरूर बनाइए ये पालक का सूप। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दे रही हूँ और इसमें लगाऊंगी 3 या 4 सीटियाँ। गैस अभी मैंने तेज कर दी है। 1 सीटी आने के बाद गैस को आप हल्का कर दीजिए और उसके बाद 3 सीटियाँ और दे दीजिए। इसमें सीटियाँ आ गई हैं और अब हमने गैस बंद कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा घोट लेंगे इसमें रई चलाकर। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा नींबू का रस, और ये हमारा सूप बनकर तैयार है। ये जितना देखने में सुंदर लगता है, पीने में उतना ही टेस्टी होता है, और साथ ही ये बहुत हेल्दी है फ्रेंड्स। जरूर बनाइएगा। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं।